चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। सलमान खान और कटरीना कैफ का बिल्कुल एक्शन अवतार दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। फिल्म की फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन करीब 34 करोड़ का ऊपर कलेक्शन किया, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने करीब 36 करोड़ का कलेक्शन पार कर चुका है। और अगर हम रविवार के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 42 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इस हिसाब से यदि हम टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 100 करोड़ का कलेक्शन पूरा कर चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल मूवी टाइगर जिंदा है ने जहां बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, उसने फिल्म को वीकेंड में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल कर सलमान खान की फिल्म एक इतिहास रच रखा है। आपको बता दें कि फिल्म में कटरीना कैफ और सलमान खान का बिल्कुल एक्शन अवतार दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। फिल्म दर्शकों को इसलिए भी ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि सलमान खान अपनी कटरीना कैफ के साथ 5 साल के बाद बड़े पर्दे पर एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में सलमान खान पर फिल्माया हुआ गाना स्वैग से करेंगे स्वागत दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोल रहा है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि फिल्म का कारोबार 500 करोड़ से ऊपर का हो सकता है। अगर हम इस फिल्म के कलेक्शन बाहर देशों में देखा जाए तो फिल्म ने अब तक बाहर कंट्री में करीब करीब 3 दिन में 50 करोड़ का कलेक्शन पूरा कर चुका है, यानी फिल्म ने अब तक 150 करोड़ का कारोबार कर एक नया इतिहास रच चुका है।